एस टी विशेष अंदर की बात के साथ मैं हूं कृष्णा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने अपने 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत की क्या है वजह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने अपने 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं है। कांग्रेस की जीत की 6 वजह है जिसके पर हम नजर करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी की घोषणा की और पूरे चुनाव में अपने कैंपेन में आम लोगों को इन गारंटी के बारे में बताया। पार्टी ने दावा किया कि गृह ज्योति योजना के तहत सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगी। पार्टी के पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों ही नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को साथ रखा। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के साथ ही अपने कैंपेन में काफी अग्रेसिव नजर आई। चुनाव के आखिर समय में कांग्रेस का पूरा फोकस स्थानीय मुद्दे पर रहा। महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक उठाया। कांग्रेस ने बीजेपी से नाराज चल रहे कई नेताओं को पार्टी से जोड़ा। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी और SB शामिल है। यही कारणों से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही किंग, कांग्रेस की हुई बंपर जीत। कर्नाटक चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी का क्या आया पहला बयान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस की बड़ी जीत पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी नेताओं को जिन्होंने कर्नाटक में काम किया उन्हें बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ थी। कर्नाटक ने ये बताया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकान खुली है। 5 वादों को पहले दिन पहले कैबिनेट में पूरा करेंगे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली है। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने खराब काम किया, इसलिए कर्नाटक के लोगों ने हमें वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इतना प्रचार करने के बाद भी लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। हमारी 5 गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े लीडर ने लगकर प्रचार किया, यह तो जनता का आशीर्वाद है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान चल निकली है, सत्य की जीत हुई, तरक्की की जीत हुई और स्वाभिमान की जीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।